धोरीमल्ला के पूर्व प्रधान व गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता ताजाराम मूड ने मुख्यमंत्री द्वारा माही परियोजना को लूणी नदी से जोड़ने के लिए कमेटी गठित करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद कर आभार जताया। दरअसल वर्ष 2023 की बजट घोषणा में माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने के साथ ही नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे करवाकर पश्चिमी राजस्थान कैनाल परियोजना की डीपीआर व वित्तीय स्वीकृति हेतु आवश्यक सर्वे डाटा के लिए कमेटी गठित की गई है। जल्द ही माही नदी का पानी गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध होगा। पानी की आवक होने पर नहर का विस्तार भी होगा, जिससे कुओं के पानी का जल स्तर भी बढ़ेगा और किसानों को पीने के पानी के साथ ही सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध रहेगा, जिससे किसानों की आय 4 गुना बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जयपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय नेताओं व प्रदेश प्रभारी नेताओं के सामने प्रमुखता से मांग रखी थी और मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन व सुझाव दिया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने 10 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने के साथ ही माही बांध एवं नर्मदा नहर की संयुक्त डीपीआर बनाने को लेकर बजट में घोषणा की थी। माही परियोजना ये सन 73 में मैं जब छोटा था तब ये यह सर्वे हो रही थी और मुड्डे बनाए थे, तब से मुझे याद है और बीच में ये ठंडे बस्ते में पड़ गई। 2016 से मैं बांसवाड़ा गया था तो मैंने वो बांध देखा और मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा पानी का स्टोरेज है और ये ज़्यादा भरा ही भरा रहता है और ज़्यादा पानी होता है तो फिर नदी से समुद्र में निकलता है। और ये पहले परियोजना हमारे इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए स्वीकृत थी, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में हो गई। से हम लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। ये नहर मई परियोजना नहर लाने के लिए बीच में पहाड़ियाँ ज़्यादा है, इस वजह से ये काम ठंडा रह गया। तो ये बांसवाड़ा से डूंगरपुर, डूंगरपुर से उदयपुर, सिरोही, जालौर और शिवाना होकर के श्रेणरी, गुड़ामलानी होकर के चौटन तक, बाखासर तक ये पहुँचेगा पानी। ये योजना इस प्रकार पहले सर्वे हो रखा है और मेन नहर है ये यहीं से जाएगी, जो डीमथल कोठाला होते हुए मेन नहर है, इसकी शाखाएं बाड़मेर तक जाएगी और पूरा पानी इस क्षेत्र को मिलेगा। और लूणी नदी में जोड़ने से भी कुओं का जल स्तर बढ़ेगा। मैं 200 एमएलए और 200 पीसीसी मेंबर 400 की हम मीटिंग में थे और मुख्यमंत्री जी मैंने ज्ञापन दिया और पूरी बात मैंने भाषण दे करके ये बात समझाई तो मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल वो बात दिमाग में फिट हो गई और उन्होंने बजट घोषणा में भी इस बात को ले लिया। बजट घोषणा के बाद निरंतर मुख्यमंत्री जी को हम जोधपुर में धन्यवाद दिया और फिर आगे कमेटी बनाने का याद दिलाया। बाड़मेर आए, उसमें भी याद दिलाए, जयपुर गए, उसके बाद में चौटन, ये अभी तूफान के मामले में आए थे तब भी हमने मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया कि वो अभी तक हमारे कमेटी नहीं बनी है, टेंडर नहीं लगे हैं और इस काम को, ये ज़रूरी है हमारे इस क्षेत्र के करीब 5-7 जिला है और 16 विधानसभा क्षेत्र से ये नहर निकलेगी। और ये योजना आने से जीतेगा गुड़ामलानी, आत्मनिर्भर होगा गुड़ामलानी, आत्म समृद्ध होगा गुड़ामलानी, ये हमारा ऐसा सपना है। और ये जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नहर क्षेत्र में अवलोकन हेतु आने का निवेदन किया जाएगा। लूणी नदी के पानी को किसानों को किस प्रकार मिले इसको लेकर सुझाव भी दिए जाएंगे, जिससे योजना जल्द ही पूरी होगी और हम सबका सपना भी साकार होगा।